हे गाइस, आज मैं आपको ट्रांसमिशन और रिसीवर के बारे में बताऊंगा। ये मैंने अमेज़ोन से परचेस किया है। इसकी प्राइस है वो है 4,900 रुपये। जनरली इन आउटसाइड ऑफ द कंट्री आप कभी भी ऐसी गलती ना करें कि इसको बाहर कंट्री में से मंगाएं, क्योंकि बाहर से मंगवाने पर क्या होता है कि समटाइम कस्टम वाले इसको नहीं आने देते, वो वहाँ अपने पास ही, क्योंकि ये ट्रांसमिशन इसका गलत इस्तेमाल ना हो इसलिए। तो आप इसके ऑलवेज परचेज़ कीजिए इन इंडिया से और लोकल बॉडी से। ये है ट्रांसमीटर के लिए एडवांस बुक, और ये है हमारा ट्रांसमिशन फ्लाई स्काई FA-I6। ये राइट लेफ्ट साइड टोटल है, और ये इसका रिसीवर है FSIA-6B। ये पहले से कंपनी का बाइंड किया हुआ है, सो इसको नई ज़रूरत है कि फिर से बाइंड करने के लिए। अभी आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने पावर स्टार्ट किया है, तो ये इसके ये डिजिटल डिस्प्ले वाला है। तो यहाँ इसमें तीन चार मोड आते हैं, एक है एरोप्लेन मोड, दूसरा है क्वाडरकॉप्टर के लिए। यार सर, और रिसीवर का बाइंडिंग करने के बाद कैसे उसको प्रोग्रामिंग करते हैं? इसमें कंप्यूटर के द्वारा इसको प्रोग्राम नहीं किया जाता है, बट इट्स नॉट यूज बिकॉज डायरेक्टली इसको यूज़ करते सकते हैं। यह सोर्स ये है हेलीकॉप्टर के लिए है प्रोग्रामिंग करने का, और यहाँ लिखा हुआ है टाइप। इसमें मेनू दो तरह के मेनू आते हैं, एक है सेटअप मेनू और एक है सिस्टम मेनू। तो सिस्टम मेनू में क्या है कि आपको उसमें से सिस्टम जो कि ट्रांसमिशन और रिसीवर का बाइंडिंग करने के बाद कैसे उसको प्रोग्रामिंग करते हैं। इसमें कंप्यूटर के द्वारा इसको प्रोग्राम नहीं किया जाता है, बट इट्स नॉट यूज बिकॉज डायरेक्टली इसको यूज़ करते सकते हैं। यह सोर्स ये है हेलीकॉप्टर के लिए है प्रोग्रामिंग करने के। ये है आपकी चैनल के लिए है, जो लेफ्ट साइड में है वो थ्रोटल और टेल के लिए है एरोप्लेन के लिए, और राइट साइड में है वो है टर्न के लिए। इन सिस्टम में जनरली फोर टाइप्स आते हैं, थ्रोटल और साइड राइट साइड और लेफ्ट साइड के लिए। तो ये फोर चैनल है और टोटल सिक्स चैनल का है। तो क्या है कि इसमें आप दूसरी दो चैनल भी यूज़ कर सकते हैं। ये है स्टार्ट का बटन, कैंसिल का है, उसके ऊपर है वो है ओके बटन, और लेफ्ट साइड में है अप और डाउन। तो आप पहले ओके बटन को पुश करने का है, तो क्या है कि उसका मेनू आ जाएगा। उसके बाद आपको ये अभी सेटअप में जाएगा, तो सेटअप में क्या है कि आपको आपका रिसीवर और ट्रांसमीटर में चेंज करना है। यहाँ डिस्प्ले है, डिस्प्ले में आपको जो वर्क करता है वो डायरेक्ट प्रोसेस दिखता है। तो यहाँ राइट साइड लेफ्ट साइड में थ्रोटल है, तो वो आपको दिख रहा है, और ये है थ्रोटल के लिए, जो उसका कर्व है वो चेंज होता है। तो जनरली क्या है, इसमें डायरेक्ट ही आपको पता चल जाता है कि कैसे वर्क करेगा। सो यहाँ आपको अगर चेंज करना है, ये ऊपर है वो मोड के लिए है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोड होते हैं। यहाँ मैंने पहले से ही सेट और बाइंड किया है, तो अभी मैं इसको सब कुछ नहीं करूँगा। लेकिन यह देखिए रिवर्स का मोड है। जनरली क्या है कि आपको अगर वायरिंग हो गई हो तो राइट स्टिक दबाने से वो लेफ्ट जाता है, तो आपको उसको रिवर्स करने के लिए ये यहाँ पर आकर रिवर्स करना है। तो उसके बाद क्या करना है आपको, ओके बटन दबकर उसको कैंसिल, अगर आप चेंज करें हो तो कैंसिल का बटन है वो पुश करना है, और ऑटोमेटिकली चला जाएगा, तो ही आपका डेटा सेव होगा, वरना डेटा सेव नहीं होगा। ये है उसकी एफिशिएंसी पॉइंट के लिए। ये थ्रोटल के लिए यहाँ डिस्प्ले डायरेक्ट होता है, ये ऑक्सिजनली चैनल। तो जनरली क्या है, फोर टाइप चैनल ही यूज़ होती है, और बाकी की दो चैनल है वो वैसे ही डायरेक्ट हमको ऑपरेट करनी होती है। तो यहाँ ये ऑक्सिलरी, उसमें मैंने जैसे सेट किया है, और डिस्प्ले पर आपको मैं बताऊंगा कि ये मैंने वॉइस बटन है जो चैनल 5 और 6 में डाला है। इसको रोटेट करने से क्या है, यहाँ डिस्प्ले में आपको अच्छा नहीं दिखा रहा है, बट क्या है कि यहाँ सेट करने पर यह चैनल नंबर 5 है उसको जो सिग्नल है वो चेंज होता है। यहाँ दूसरा चैनल मैंने सी में डाला है, और ये है एफिशिएंसी। और जनरली क्या है कि आपको अगर नहीं सर्वो मोटर या अदर मोटर सेट हुई है,
तो आपको उसको सेट करने के लिए, ये मैंने पहले से ही उसको मिक्स किया है। तो जनरली ये एरोप्लेन के लिए है, तो मिक्स किया है राइट टेल और लेफ्ट साइड टर्निंग के लिए है। और ये अदर मोड है, उसमें टोटल होल्डिंग मोड है, तो मैंने इसमें डाला है। अभी आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये अगर ESC के साथ जॉइंट होगा तभी इसको पता चले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको दूसरे वीडियो चैनल देखने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल कडाम रोबोटिक्स।